हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके इसी भी मैक्स प्लम्बिंग चैनल में। आज हम ये टंकी 1000 लीटर का स्टील टंक फिटिंग कैसे करते हैं उसका फुल वीडियो लेके आए हैं। पहले ये 1.5 इंच का आउटलेट था, इसलिए 1.5x1.5 का मेल सर्किट लगाया है। देखिए, इसके बाद 1.5x1 का सर्किट लगाया है, उसके बाद 1.5 इंच का गेट वाल लगाया है। इसको गेट वाल लगाने के लिए थोड़ा पाइप का टुकड़ा कटिंग करके गेट वाल को फिक्स करेंगे। देखिए, इस तरह से पाइप का कटिंग टुकड़ा होगी, कटिंग हो गया 4 इंच तक कट सकते हैं। बाद में ख़राब हो गया तो उसको काट के दूसरा लगा सकते हैं, इसलिए गैप थोड़ा गैप रखना चाहिए। अब दोनों साइड फिटिंग करना है, उसके बाद यूनियन लगेगा। देखिए, इस तरह से गेट वाल लगाने के बाद इस तरह से चेक करना पड़ेगा, नहीं तो गम अंदर सॉल्वेंट अंदर जाएगा तो ऑफ नहीं होगा, तो ऑन ऑफ होगा तो ऑन नहीं होगा, और ऑन होगा तो ऑफ नहीं होगा। सॉल्वेंट चिपक जाएगा तो थोड़ा सॉल्वेंट जाएगा, तो इसलिए ऑफ ऑन करके चेक करना पड़ेगा। उसके बाद यूनियन को भी फिक्स करेंगे, और उसके बाद ईयर के लिए, ईयर पाइप के लिए टी लगाने के लिए टुकड़ा कटिंग कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से ऊपर ईयर जाएगा। आप सोच रहे हैं ये ऊपर ऊपर टैंक फिटिंग, ऊपर पाइप नीचे नहीं लिया है, ऊपर ऊपर कर रहा है, ये कुछ रीज़न है इसलिए ऊपर कर दिया है, और बाद में बताएंगे। देखिए, इस तरह नीचे लेंगे तो वो फिर ये दिख रहा है आपको, साइड में बीम दिख रहा है, इसमें पड़ेगा, इसलिए हम लोग ऊपर ऊपर टंक फिटिंग कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से पानी सीधा आएगा तो फिर नीचे आएगा तो ऊपर जाना पड़ेगा पानी, इसलिए ऊपर साइज एक ही साइज से आएगा, एक ही लेवल में आएगा। और इस तरह से 1 इंच का आउटलेट था पहले, इसलिए 1 इंच का आउटलेट लगा दिया है। उसके बाद 1 इंच का गेट वॉल लगाया है, प्रत्येक बाथरूम के लिए एक एक सेपरेट गेट वॉल है, गेट वॉल यूनियन दिया है। इस तरह से टुकड़ा को लगाएंगे। देखिए, अब गेट वॉल यूनियन लगा के 40 लगा के इस तरह से फिक्स कर देंगे, अच्छे से फिक्स करना चाहिए सर। देखिए, इस तरह से पहले गेट वॉल लगाना है, बाद में यूनियन लगाएंगे। पहले यूनियन लगाएंगे तो क्या होगा, यूनियन खोलेंगे तो ऑफ कर नहीं सकते पानी, इसलिए पहले गेट वॉल लगाएंगे पानी को ऑफ करके, ऑफ टैंक साफ करने के भी ऑफ करने के लिए गेट वॉल लगाना चाहिए, और उसके बाद यूनियन लगाना चाहिए। और उसके बाद दूसरा वाला है, दूसरा भी 1 इंच का है, पहले गेट वॉल लगाए। देखिए, अब उसके बाद 45 लगा के यूनियन लगेगा। देखिए, गेट वॉल लगा के यूनियन उसको भी रेडी हो गया, और एक नीचे वाला पॉइंट के लिए 1.25 का टी लगा है। उसके बाद वो 1 इंच का फिटिंग था, उस उधर भी 1 इंच का लगा दिया, डबल 45 लगा के एल्बो नहीं दिया है पानी को फोर्स मेंटेन करने के लिए। सबसे ऊपर वाला बाथरूम का था, इसलिए सब बाथरूम में सेपरेट गेट वाला और यूनियन दिया है। देखिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आप ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। और हम लोग इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग सब वीडियो बनाते हैं, उसको भी ज़रूर देखना। वीडियो चैनल में पहली बार हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना काम कैसा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग टैंक में पानी इनलेट करने के लिए फिटिंग कर रहे हैं। ये नीचे वाला पॉइंट उधर थोड़ा उधर बाहर एक पॉइंट है, इसके लिए जाएगा। अब इधर वो फीमेल एल्बो लगा के पैक कर दिए, देखिए सॉल्वेंट नहीं लगा है, लीकेज नहीं होगा। बाद में उधर फिटिंग करके बाहर लेके जाएंगे, उसके लिए गेट वॉल यूनियन नहीं था, इसलिए ऐसा कर दिया है। बाद में गेट वॉल यूनियन लगा के इस तरह फिटिंग कर देंगे। ये टी है, देखिए इस तरह से फिटिंग हो गया है। देखिए, ये ऊपर ऊपर वाला पाइप वो इनलेट के लिए, मोटर के लिए और पानी के लिए। देखिए, इस तरह से 1000 लीटर का टैंक है, ये स्टील टैंक है, पंचकन्या का स्टील टैंक है। देखिए, इस तरह से फिटिंग करें, ड्रिल करना नहीं पड़ेगा इसको, और साइड साइड के स्टैंड में मसाला डाल देंगे तो हो जाएगा। ड्रिल करेंगे तो 3 इंच का दीवाल है, छत डलाई है, 3-4 इंच का छत डलाई है, इसलिए हम लोग दीवाल नहीं किया, यहाँ से डलाई हुआ रहा था। इसलिए देखिए, पहले फीमेल सॉकेट लगाए, उसके बाद रिड्यूसर, गेट वॉल यूनियन, टी लगाए, एयर का पाइप। देखिए, इस तरह से। आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।